नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज से लॉकडाउन 4 के साथ ही अनलॉक होने की प्रक्रिया हुई शुरू। CBSE के बाद अब ICSE बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं भी हुई रद्द। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। पंचायत चुनाव पर लिए गए फैसले की तारीफ करने पर मांझी पर RJD ने कसा तंज। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके के लिए करना होगा और इंतजार। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज से लॉकडाउन 4 के साथ ही अनलॉक होने की प्रक्रिया हुई शुरू। सूबे बिहार में 2 जून से 8 जून तक लगा लॉकडाउन 4 आज से शुरू हो चुका है, मगर इसे हम राज्य में अनलॉक होने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार से सरकार ने थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी है। जैसा कि आपको हम बता दें कि बिहार में कोरोना मामले की रफ्तार अब काफी धीमी हो गई है और रिकवरी रेट भी बढ़ रहे हैं। इन सबको देखते हुए सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए दुकानों के खोलने के समय में छूट दे दी है। राजधानी पटना में जिला प्रशासन की तरफ से दुकानों को 3 कैटेगरी में बांटकर खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन खुलेगी, जबकि बाकी दुकानों को एक दिन बाद करके खोलने का निर्देश दिया गया है। पहली कैटेगरी की दुकान आवश्यक वस्तुओं की होंगी, जो हर दिन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। इसके तहत किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकान, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं हर दिन खुलेंगी। वहीं दूसरी कैटेगरी में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल सामान, सैलून एवं पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज सर्विसिंग सेंटर, मोटरसाइकिल, साइकिल मरम्मत की दुकान, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, फर्नीचर, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें खुलेंगी। जबकि तीसरी कैटेगरी में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़ा, बर्तन, सोना चांदी, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स, जूता चप्पल, निर्माण सामग्री, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट्स, शटरिंग सामग्री इत्यादि की दुकानें खुलेंगी। 10वीं के रिजल्ट को लेकर CBSE दिखी सख्त। 10वीं के रिजल्ट को लेकर CBSE काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर बोर्ड ने सभी स्कूल से 30 जून तक मार्क्स की मांग की है। इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। CBSE अधिकारियों का कहना है कि 10वीं के रिजल्ट को लेकर पहले ही काफी देरी हो चुकी है, अब लेट नहीं हो इसके लिए CBSE की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल से 30 जून तक मार्क्स मांगा गया है। जुलाई में रिजल्ट जारी करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, CBSE ने सभी स्कूलों से यह साफ कर दिया है कि अगर समय पर स्कूल की तरफ से मार्क्स उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तो ऐसे स्कूल पर जुर्माना लगाने के साथ ही एफिलिएशन भी रद्द किया जा सकता है। सिमरिया गंगा नदी पर निर्माण कार्य में लगा क्रेन नदी में डूबा। मंगलवार की देर शाम आई आंधी के कारण बेगूसराय के सिमरिया गंगा नदी में एक क्रेन मशीन के डूबने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सिमरिया गंगा नदी में 6-लेन पुल बनाने का काम चल रहा है, जिस कारण वहां मैकेनिकल क्रेन नदी में पुल निर्माण में लगाया गया है, लेकिन तेज आंधी बारिश के कारण बीते शाम अचानक से मैकेनिकल क्रेन और जेटी डूब कर बह गया, जिसके बाद गंगा नदी के बीच बन रहे पिलर संख्या 13A का काम भी रोक दिया गया है। इससे पुल निर्माण कंपनी को करीब 30 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पिछले साल भी पानी अधिक होने के कारण पिलर संख्या 13 बह गया था। आपको बताते चले कि ओटा से लेकर सिमरिया तक 18 पिलर वाली और 8.15 किलोमीटर लंबे इस 6-लेन पुल को बनाया जा रहा है। वहीं इसके 9 पिलर नदी में बनाए जा रहे हैं। इस 6-लेन पुल का निर्माण करीब 1,150 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं बाकी बचे जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम वैज्ञानिक के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवा के साथ हल्की से बीच की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। बता दें कि राज्य में मौसम शुष्क बनी है, मगर बीती शाम भी अचानक से तेज आंधी के साथ कई जिलों में बारिश हुई है। इसके तहत बीते दिन बिहार ठाकुरगंज में 17 मिलीमीटर, कटिहार और चनपटिया में 3 मिलीमीटर, वैशाली, मसरक और साहिबगंज में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। वहीं इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान बक्सर में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 18 से 44 वर्ग के लोगों को टीके के लिए करना होगा और इंतजार। राज्य में 18 से 44 की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 6 जून को वैक्सीन की खेप पहुंचेगी, जिसके बाद 7 जून से इस आयु वर्ग का टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि कई लोगों को स्लॉट बुकिंग में परेशानी आ रही है, वहीं टीके की कमी की वजह से नए स्लॉट नहीं लिए जा रहे हैं। इससे पहले 29 मई को ही टीका आने की बात कही गई थी, लेकिन उस दिन नहीं आने से इस ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन का काम अभी का हुआ है। वहीं जिलों में दूसरे आयु वर्ग के लिए पर्याप्त टीका मौजूद है और उनका टीकाकरण अभी चल रहा है।
पटना के 3 प्रखंडों में इस्कॉन को मिली मध्याह्न भोजन योजना की जिम्मेदारी। अब पटना के 3 प्रखंडों में MDM योजना का संचालन पटना के इस्कॉन चैरिटेबल ट्रस्ट और बेंगलुरु के अक्षय पात्रा फाउंडेशन मिलकर करेंगे। इसके तहत अब पटना सदर, दानापुर और फुलवारी शरीफ में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां बच्चों को मिलने वाली मध्याह्न भोजन की पूरी जिम्मेदारी इस्कॉन ही उठाएगी। यह फैसला बीते दिन मंगलवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया है। बिहार में यह पहली बार होगा जब मध्याह्न भोजन योजना के संचालन का जिम्मा इस्कॉन ट्रस्ट को सौंपा गया है। इसके अलावा कैबिनेट में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायता योजना नाम से एक विशेष योजना की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से किसी एक का निधन कोरोना से हुआ है तो ऐसे बच्चों को 1,500 रुपए महीना 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा और इसके लिए समाज कल्याण विभाग के तहत इस योजना का संचालन होगा। सहरसा का एक बच्चा मुंबई भागने के क्रम में चढ़ा RPF के हत्थे। बिहार के सहरसा का रहने वाला एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की नादानी सामने आई है। दरअसल वह हीरो बनने के लिए घर से लैपटॉप और 20,000 लेकर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से मुंबई भाग रहा था, मगर RPF ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दे दी गई। दरअसल अंकित नाम का यह बच्चा सहरसा के एक निजी स्कूल में 7वीं का छात्र है। वह घर से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। इसी बीच मंगलवार को पाटलिपुत्र स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की जाँच की जा थी, जहां 3rd AC बोगी में एक बच्चे को अकेला बैठा देख RPF जवानों ने पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम अमृत राज बताते हुए हीरो बनने के लिए मुंबई जाने की बात कही, जिसके बाद उससे और पूछताछ करने के बाद उसके परिजन को सूचना देकर उन्हें बच्चे को वापस ले जाने के लिए बुलाया गया। पूर्व मध्य रेलवे ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान किया स्थापित। पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना काल में भी अपने यात्रियों की सुविधाओं का बेहतरी से ख्याल रखा है, वहीं अब इसने एक नया मुकाम हासिल किया है। पूर्व मध्य रेलवे के सभी मंडलों में 31 मई को 100% ट्रेनें अपने तय समय पर चली हैं। इनमें क्षेत्र से खुलने के अलावा गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके तहत अगर मंडलवार देखे जाए तो दानापुर और समस्तीपुर मंडल में सभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय समय पर किया गया। वहीं सोनपुर धनबाद मंडल में 99% और 95% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चली, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में 95% स्पेशल ट्रेनों का परिचालन समय पर किया गया। वहीं इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल द्वारा विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी प्रकार की स्पेशल ट्रेनों का परिचालन तय समय पर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि भारतीय रेल में समय पालन में पूर्व मध्य रेल का स्थान प्रथम रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी माल लदान में धनबाद मंडल का देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इस उपलब्धि पर महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने मंडल रेल प्रबंधक व अधिकारियों को बधाई दी है। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक बढ़ रही है खतरे के निशान की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक ने अपने रौद्र रूप को दिखाना शुरू कर दिया है। नदी में उफान आना शुरू है, जिस कारण 1 से 2 दिनों में नदी के आसपास बसे बस्ती में पानी घुसने की संभावना तेज हो गई है। हालांकि जानकारी के मुताबिक बांध पर पानी का दबाव नहीं है, मगर बारिश की वजह से कटाव होने से कई जगह मिट्टी धंस गई है, जिससे बांध पर भी खतरा बन सकता है। जानकारी के मुताबिक बांध पर अतिक्रमण करने के कारण कई जगह पर ढलान बन गए हैं, जो कि बरसात के बाद खतरनाक हो जाता है। वही बूढ़ी गंडक प्रमंडल के अभियंता का कहना है कि बांध के रेनकट को डिटेक्ट कर लिया गया है, अगले 2-3 दिन में मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। यास तूफान के कारण रेनकट का काम नहीं हो पाया था, मगर अब बांध को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। थप्पड़ मारने के आरोप में BJP विधायक और उनके बॉडीगार्ड पर हुआ FIR। बिहार के पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका पर एक शख्स को थप्पड़ मारने और गाली गलौज करने के आरोप में SC/ST थाने में FIR दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उनके बॉडीगार्ड पर भी मारपीट करने के आरोप में SC/ST थाने में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल 30 मई को पूर्णिया के गुलाबबाग स्थित पुराने सिनेमा हॉल के पास महादलित बस्ती में BJP विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनने गए थे, जहां सड़क की बदहाली को लेकर आम जनता ने उनसे सवाल किया था। इसी बात से नाराज होकर विधायक के गार्ड ने शख्स को थप्पड़ जड़ दिया था, वहीं उसके साथ गाली गलौज भी की थी। वहीं इस पूरे मामले में विधायक विजय खेमका का कहना है कि मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी, कुछ लोग कार्यक्रम के बीच में ही हो हल्ला कर रहे थे। इस पर उन्हें समझाया गया कि कार्यक्रम के बाद अपनी बातें रखें और बाद में उनकी बातें सुनी भी गई। उन्होंने कहा कि इस बात में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो कोई इस प्रकरण का वीडियो दिखा दे, मैं तुरंत राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पंचायत चुनाव पर लिए गए फैसले की तारीफ करने पर मांझी पर RJD ने कसा तंज। मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार द्वारा किए गए फैसले पर कहीं तारीफ मिल रही है तो कहीं तंज कसा जा रहा है। दरअसल 15 जून को राज्य में पंचायत के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के अभी होने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। ऐसे में गाँव व कचहरियों के प्रशासनिक गतिविधियों के लिए कैबिनेट में पंचायत परामर्श समिति का गठन करने का फैसला लिया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए जीतन राम मांझी ने CM नीतीश को धन्यवाद दिया है, तो दूसरी तरफ RJD ने मांझी पर इसे लेकर
कसा है, जिसके तहत जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी को तवज्जो नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी का एनडीए सरकार में अब मन डोल रहा है। सरकार के कई निर्णय के खिलाफ अपनी राय जीतन राम मांझी ने रखी है और सरकार के किसी भी निर्णय में जीतन राम मांझी की राय नहीं ली जाती है, जबकि इनके ही दम पर यह सरकार बनी है। वही उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के लालू यादव के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं भी हुई रद्द। सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई बोर्ड ने भी मंगलवार देर रात अपनी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इससे बिहार के करीब 5000 परीक्षार्थी अब 12वीं बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष नहीं देंगे। वहीं सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के रद्द होने से भी सीबीएसई पटना जोन के करीब 1.26 लाख परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिनमें बिहार के 81,331 एवं झारखंड के 45,624 छात्र शामिल हैं। दोनों बोर्ड की बात करें तो इनमें बिहार के करीब 86,000 परीक्षार्थी हैं। इसके तहत इन सभी बच्चों को इस वर्ष बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले संक्रमण के हालात को देखते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी फिलहाल परीक्षा को टालने तथा कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद ऑनलाइन परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। वहीं बताते चले कि पूरे प्रदेश में 4,000 से 5,000 बच्चे आईसीएसई की परीक्षा में शामिल होते हैं। आर अश्विन ने पंत को दिया स्पेशल खिलाड़ी का दर्जा। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए साल 2021 करियर के लिहाज से काफी अच्छा जा रहा है। उन्हें 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। वहीं इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए भी उन्हें टीम में रखा गया है। वहीं अब आर अश्विन ने पंत की तारीफ करते हुए उन्हें स्पेशल बताया है। आर अश्विन ने इस बात को स्वीकार किया है कि पंत किसी भी टीम से जीत छीन सकते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आर अश्विन ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत किस तरह का खिलाड़ी है। वह खेल को विपक्ष से दूर ले जा सकता है। हमारे पास नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाजी करने और 5 गेंदबाजों को खेलने की सुविधा है, जो संयोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका स्वाभाविक बल्ला स्विंग और निरर दृष्टिकोण उन्हें एक विशेष खिलाड़ी और देखने लायक प्रतिभा बनाता है। लोगों को लगाए जाएंगे कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज। कोरोना वैक्सीन की कमी की बातों के बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि लोगों को कोविशील्ड की बस एक ही डोज नहीं लगेगी, बल्कि उन्हें दूसरा डोज भी लगाया जाएगा। एक डोज लगाने के बाद दूसरा डोज 12 सप्ताह के बाद लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोवैक्सीन की भी दोनों खुराक लोगों को दी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अभी दो वैक्सीनों को मिलाकर एक वैक्सीन बनाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वह इस मौके पर ICMR के द्वारा कहा गया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और जुलाई अगस्त तक देश में पर्याप्त डोज उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके बाद हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं इस मौके पर उम्मीद जताई गई है कि दिसंबर तक देश की पूरी जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। देश भर में अब घट रहे हैं कोरोना से मौत के मामले। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना मामले में जबरदस्त कमी आई है। वहीं बीमारी से जान जाने वाले के आंकड़े में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,32,788 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,31,456 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 17,93,645 हो गए हैं। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 1,174 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 3,100 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 14,250 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 97.25% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य में दुकानों को खोलने के समय में छूट देने के नए नियम से आम लोगों को कितना राहत मिलेगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।